हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक, आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। आखिर 1857 की जो क्रांति रही उसके पीछे क्या कारण रहे, आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि हम लोग बात करें 1857 की क्रांति को लेकर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास में, खास तौर से आधुनिक भारत का जो इतिहास रहा, उसमें जो 1857 की क्रांति है उसको महानतम एक क्रांति, एक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति रही उसके पीछे किस प्रकार के कारण रहे और कितने कारण रहे। यदि हम लोग कारणों की बात करें तो 1857 की क्रांति के पीछे अनेक कारण रहे, जिसमें कि हम लोग आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण और राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। तो ये विभिन्न प्रकार के जो 1857 की क्रांति हुई, घटित हुई, उसके पीछे ये कारण हमें निम्नलिखित प्रकार से देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये विभिन्न कारण जो है वो एकाएक उत्पन्न हो गए 1857 की क्रांति के जो ये कारण रहे, बल्कि ये काफी लंबे समय के उपरांत ये विभिन्न कारण सामने उभर कर आए और ये विभिन्न कारण काफी लंबे समय से चले आ रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1857 की क्रांति जो थी वो घटित हुई। यदि हम लोग 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति में सर्वप्रमुख मैं बात करूंगा आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण की यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ब्रिटिश जो कि भारत में प्रमुखतया आए, उनका जो प्रमुख जो उद्देश्य था वह व्यापार करना था जब वो प्रारंभिक रूप से आए। लेकिन जब कुछ समय उपरांत जब उन्होंने यहाँ पर व्यापार किया और उसके उपरांत उन्होंने ये पाया कि भारत जो एक देश है वो काफी प्रॉफिटेबल, काफी लाभदायी एक देश है, और इसलिए वो बाद में यहीं पर उन्होंने बसने का, यहाँ पर भारत देश को अपना उपनिवेश बनाने का उन्होंने निर्णय ले लिया। और इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि आर्थिक कारण के अंतर्गत उनके द्वारा कृषि का व्यवसायीकरण, वी औद्योगिकरण और साथ ही साथ भू राजस्व की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो कृषि का व्यवसायीकरण अंग्रेजों द्वारा किया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया, उसका मूलतया मकसद यही था कि किस प्रकार से एज अ बिजनेस जो कृषि हुआ करती थी उसका उपयोग किया जाए, जिसके अंतर्गत वह विभिन्न प्रकार की नगदी फसलें कृषकों से उगाया करते थे, जैसे कि नील, कपास, जूट, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी और जिसका और जिसको आसानी से बाजारों में बेचकर अच्छा खासा उससे लाभ कमाया जा सकता था। और इस लाभ से वो ना केवल भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करते थे शासन प्रशासन रूप से, बल्कि अपने देश इंग्लैंड के देश को भी काफी विकसित करने का कार्य इन धन के माध्यम से, जो कृषि का व्यवसायीकरण जो भारत में किया गया उसके माध्यम से वे किया करते थे। और वहीं हम लोग बात करें तो भारत में हम लोग जानते हैं कि परंपरागत रूप से काफी छोटे, मझोले और कुछ बड़े उद्योग रहे थे, और लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स का आगमन होता है भारत में तो उनके द्वारा बड़े पैमाने पर जो छोटे मझोले और कुछ बड़े उद्योग हुआ करते थे उनका विनाश, उनको हटा दिया जाता है और जितने भी उद्योग रहते हैं उनको हतोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जो वो औद्योगिक इकाइयां थी, उद्योग था जिसमें कि काफी जनसंख्या में भारतीय काम किया करते थे, उन उद्योगों का विनाश, उन उद्योगों को नष्ट कर देने के उपरांत वी औद्योगिकरण की नीति के अंतर्गत परिणाम यह हुआ कि जो परंपरागत और हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग जो भारत में हुआ करते थे उनका विनाश हुआ और वहां की जनसंख्या का ट्रांसफर जो हुआ वो गांव की ओर हुआ। और गांव में प्रमुखतः हम लोग जानते हैं खेती करने का कार्य
किया जाता था और इसका परिणाम यह हुआ कि अत्यधिक जनसंख्या का दबाव गांव पर हुआ, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव खेती पर भी हुआ और इसका परिणाम यह हुआ क्योंकि चूंकि उतनी ही भूमि थी जितनी पहले थी लेकिन जनसंख्या अब ज्यादा हो चुकी थी, तो इसका परिणाम यह हुआ कि भूखमरी और अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी और अधिक से अधिक लोगों को अपनी जीविका चलाने की भी आफत आन पड़ी। तो इस प्रकार से जो भारतीय थे उनका निर्धनीकरण हुआ, अर्थात वो अत्यधिक गरीब होते चले गए और इसका परिणाम यह हुआ कि भूखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियां या कृषि के व्यवसायीकरण भी औद्योगिकरण जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही थी उनका परिणाम था। वही हम लोग बात करें तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों को टिके रहने के लिए यह जरूरी था कि उनके पास काफी अच्छा खासा पैसा धन संपदा हो जिसके माध्यम से वो भारत में प्रत्येक स्थान पर अपने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके, नियंत्रण कर सके। और इसके लिए वो जरूरी था कि धन संपदा अच्छी खासी हो और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी के अंतर्गत ब्रिटिश द्वारा भू राजस्व की नीति अपनाई गई जिसके अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं अपनाई गई थी और जिसके माध्यम से काफी अच्छी खासी धन संपदा की प्राप्ति हुई। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि स्थाई बंदोबस्त के जरिए भी जो जमींदार हुआ करते थे वो भूमि के मालिक हुआ करते थे और अपने मनमाने ढंग से जो कृषक हुआ करते थे उनसे रिवेन्यू, उनसे भू राजस्व की वसूली वो किया करते थे और इन सबके बीच वो मनमाने और एक शोषण के माध्यम से उनसे जबरन अत्यधिक रिवेन्यू जो हुआ करता था, वो राजस्व जो हुआ करता था वो वसूलने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। तो आर्थिक रूप से यदि हम लोग बात करें कि आर्थिक कारण जो रहा वो 1857 की क्रांति में प्रमुख एक कारण था जिसके कारण लोगों में भूखमरी, अकाल और निर्धनीकरण अर्थात गरीब होते जाने रहने के कारण लोगों में एक असंतोष, क्रोध और एक असंतुष्टि का भाव ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्पन्न हुआ और यही कारण था कि 1857 की क्रांति घटित हुई। अब हम लोग अगले कारण की बात करते हैं, वह है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सोशियो कल्चर रीजन। आखिर सामाजिक और सांस्कृतिक कौन से वे कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति घटित हुई? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो समाज है, भारत की जो संस्कृति है वो काफी व्यापक और काफी समृद्ध रही है। और अगर हम लोग सामाजिक रूप से बात करें तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश जो है यदि दूसरे देश के ऊपर शासन करना चाहता है तो वो अपनी संस्कृति को और अपने आप को श्रेष्ठ बताएगा और इसी के अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत की जो संस्कृति थी उसको निम्नतर अर्थात अपने से नीचे बताया करते थे और अपनी संस्कृति और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया करते थे। और चूंकि शुरुआती दौर से यदि हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स ने ईसाईकरण प्रारंभिक रूप से नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी देश, किसी भी देश के निवासी एकाएक सारी की सारी चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए काफी बाद में एक एक्ट के माध्यम से ईसाईकरण की प्रवृत्ति, ईसाईकरण को अपनाया गया और भारत में बड़े पैमाने पर ईसाई भी आए और इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में और खास तौर से जो जनजातीय बहुल क्षेत्र भी हुआ करते थे वहां भी ईसाइयों ने अपना प्रभाव प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न किया और विभिन्न प्रकार के लालच प्रलोभन देने का भी प्रयत्न किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ईसाईकरण किया जा सके। और केवल इतना ही नहीं, भारत का जो समाज था, भारत की जो संस्कृति थी उसमें हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज चले आ रहे थे। तो एकाएक जब भारतीयों का जो सामाजिक और धार्मिक जो मान्यताएं थी उसमें एकाएक जब अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया और इसको लेकर विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए तो इसका परिणाम यह हुआ
कि भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा निरोधक कानून हो, धार्मिक अयोग्यता का नियम हो, या मैरिज या शादी से संबंधित जो भी उम्र हुआ करते थे उनसे संबंधित नियम कानून हो, ये सारे अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए, जबकि यह एक लंबे समय से चले आ रहे थे जो कि भारतीयों के अंतर्गत था। लेकिन चूंकि अब अंग्रेज इसके अंदर नियम कानून बनाने लगे तो भारतीयों ने समझा कि यह हमारी धार्मिक मान्यताओं आस्थाओं पर एक प्रकार का चोट है। और इसका परिणाम यह हुआ कि जब धार्मिक आस्थाओं मान्यताओं पर उनको यह लगा कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स अपनी पकड़ और इंटरफेयर करने का, हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने असंतुष्टि और धार्मिक अपनी आस्थाओं, सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध इसको समझा। और यह 1857 की क्रांति जो हुई वो सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हुई। यदि हम लोग अगले कारण की बात करें तो अगला कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, वह है सैनिक कारण। और सैनिक कारण के अंतर्गत तात्कालिक कारण भी आगे जो हम लोग देखेंगे उसमें भी हम लोग को सैनिकों का ही इम्पोर्टेंस दिखता है, जिसमें कि यदि हम लोग बात करें सैनिक कारण की, तो सैनिक कारण के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो रहे, जो अंग्रेज जो रहे, उनका प्रारंभ रूप से ही एक भेदभाव की नीति रही है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े यदि हम लोग पदों की बात करें या प्रमोशन की बात करें तो जो उनके जो अधिकारी हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, केवल वही बड़े बड़े पदों पर जाया करते थे, उनकी नियुक्ति हुआ करती थी, ना कि भारतीयों की। तो यह एक प्रकार का भेदभाव हुआ करता था और ना ही एक अच्छी खासी वेतन और भत्ते भारतीयों को दिया जाता था, बल्कि अंग्रेजों और ब्रिटिशर जो भी अधिकारी और हुआ करते थे उनको अच्छी खासा वेतन ब्रिटिशर्स द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर वेतन, भत्ते और प्रमोशन को लेकर भेदभाव ब्रिटिशर्स और भारतीयों में रहता था सैनिकों के मध्य। वही हम लोग बात करें तो धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं पर फिर से एक बार चोट अंग्रेजों द्वारा किया गया, जब समुद्र पार जाना अंग्रेजों द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो धार्मिक आस्थाएं थी भारतीय सैनिकों की, वह उनको यह इजाजत नहीं देती थी कि वह समुद्र पार करके जाए और युद्ध करे अंग्रेजों की तरफ से। तो इस प्रकार से धार्मिक रूप से उनकी आस्थाओं पर एक प्रकार का चोट हुआ, उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं को भ्रष्ट करने का आरोप अंग्रेजों पर लगाया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक रूप से ये असंतुष्ट हुए, अंग्रेजों के प्रति क्रोधित हुए, उन्होंने विरोध का भाव पैदा होने को देखने को हम लोग को मिलता है भारतीयों के अंदर। और इसका ही परिणाम यह हुआ कि सैनिक रूप से 1857 की क्रांति घटित हुई। वहीं हम लोग तात्कालिक कारण की यदि हम लोग बात करें तो तात्कालिक कारण में हम लोग देखते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चर्बी लगे जो कारतूस थे वो सबसे प्रमुख एक मुद्दा रहा था, जिसके कारण 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण एक प्रमुखतया रूप से बताया जाता है। अगर मैं कारतूस की बात करें, यदि हम लोग कारतूस की बात करें तो आपने पिक्चरों में, मंगल पांडे के पिक्चरों में भी देखा होगा कि किस प्रकार से कारतूस को मुंह से छीला जाता है और फिर उसमें से बारूद और गोली को बंदूक में भरा जाता था। और इसी को लेकर भारतीय सैनिकों को विभिन्न छावनियों को, चाहे वो बहरामपुर की छावनी हो, दमदम छावनी हो, बैरकपुर की छावनी हो, इन सबको यह पता चलता है कि उसमें, उस कारतूस में जिसको छीलते हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी का उपयोग किया गया है। तो इससे ना केवल मुस्लिम और बल्कि हिंदू की जो धार्मिक भावनाएं थी, मान्यताएं थी, उसको आहत पहुंचा। तो इस प्रकार से जब उनको यह पता चला, और सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि बहरामपुर की जो छावनी थी उन्होंने सर्वप्रथम इस सूचना के मिलने पर उन्होंने विरोध और प्रतिक्रिया सर्वप्रथम जताई, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मंगल पांडे ने भी इसके प्रति विरोध जताया। और इसी का परिणाम था कि उनके द्वारा दो अधिकारियों पर, ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी गई और उसमें से एक ब्रिटिश अधिकारी की मौत भी हो जाती है। और सैनिक कारण
में यदि हम लोग बात करें तात्कालिक कारण में यदि हम लोग बात करें तो इसमें चर्बी लगा जो कारतूस था वो प्रमुख रूप से एक मुद्दा रहा था। और वहीं हम लोग अब अगले कारण की ओर बढ़ते हैं, वो है राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो भारत में आए, चूंकि भारत को उन्होंने एक उपनिवेश बनाया था, अपना गुलाम बनाया था, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने हितों के लिए भारत का उन्होंने उपयोग किया, तो भारत पर भी जो उनके शासन का जो तरीका रहा वो भारतीयों के अनुरूप, भारत के अनुरूप ना होकर अपने अनुरूप रहा था। अर्थात विदेशी जो शासक थे, विदेशी ये जो अंग्रेज थे, उन्होंने विदेशी तरीकों से भारतीयों पर शासन करने का प्रयत्न किया, जो कि भारतीयों को पसंद नहीं आया करता था। उसमें बर्बरता, शोषण, अत्याचार देखने को मिलता था। कोई रूल ऑफ लॉ नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, कोई एक समान रूप से, स्वतंत्र रूप से कानून नहीं हुआ करता था। तो इसका भी यह एक परिणाम था जिससे कि 1857 की क्रांति घटित हुई थी। और वहीं हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में हम लोग को देखने को मिलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई, और खास तौर से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और विलय की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी राज्य का दत्तक पुत्र नहीं हुआ करता था तो उसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। और केवल ऐसा ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को तो केवल एक बहाना चाहिए था, वो कुछ ना कुछ मनगढ़ंत आधार बनाकर भी अपने साम्राज्य में, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य राज्य को विलय करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि हम लोग अवध के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर उसका विलय कर लिया जाता है। और इसी का परिणाम यह होता है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से अवध, चूंकि शुरू से उसने काफी ब्रिटिशर्स अंग्रेजों का साथ दिया था, मदद की थी, उसके उपरांत उस पे कुप्रशासन का आरोप लगाकर, मनगढ़ंत आधार बनाकर उसको ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया, विलय कर लिया गया, तो इसका विरोध वहां के सैनिकों ने भी किया। और हम लोग जानते हैं कि अधिकतर जो सैनिक हुआ करते थे वह किसान, कृषक परिवार से हुआ करते थे, तो इस प्रकार से किसान और जो सैनिक थे उनकी भावनाएं और चरम सीमा पर देखने को हमको मिलती है। एक तरफ सैनिक और एक तरफ किसान, दोनों ही यह ब्रिटिश जो सरकार थी उसके प्रति असंतुष्ट थे, उन्होंने विरोध की भावना जताई ब्रिटिश सरकार के प्रति। और इन सभी कारणों का ही नतीजा रहा कि 1857 की जो एक क्रांति रही वो एक अति महत्वपूर्ण क्रांति साबित हुई, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के लगभग सभी जो वर्ग थे वे सम्मिलित हुए। और 1857 की क्रांति को भी इसीलिए कई सारे जो इतिहासकार हैं, विचारक हैं, उनके द्वारा एक महान स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।